काकोसा के पास यार फोन करूंगी, देखा आगे होंगे। तो हम लोग आए अभी गली वाले बालाजी के यहाँ, जो हर हर महादेव बोलो। नहीं बताया नबे, सॉक्स के लिए मत कर लेना बेटा, देख सूखे सूखे में रखना पैर। नहीं आया काकोसा? तो हम लोग गली वाले बालाजी के बाईसा की शादी का कार्ड चढ़ाने के लिए आए हैं। तो एक बालाजी का पूजन कर रहे हैं और फिर पूजन वगैरह करने के बाद में फिर कार्ड चढ़ाएंगे। तो अभी ये बाहर बैठ के कार्ड पर बालाजी का नाम लिख रहे हैं। बाहर जो भी नाम लिखा हुआ है ना बालाजी का, वो लिख रहे हैं नाम। और अब घर से कोमल भी आ गई। आ गई जा रहे हमारा घर का खुश रहे, हमारा भाई खुश रहे। हां नहीं, अपने शरीर को भी ध्यान रखो। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग गांव में आए हुए थे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे गली वाले बालाजी है, तो वहाँ हम लोगों ने कार्ड दिया था और उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पे। तो घर पे आसपास यहाँ के जितने भी कार्ड थे वो सब कार्ड दिए यहाँ पे, और मैंने खाना वगैरह खाया। उसके बाद में हम लोग बैठे, बात बात की और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। ये थोड़ा सा भी कहीं गए हुए हैं पास में ही, तो बस ये आ जाए, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे जाने के लिए। तो बस हम जा रहे हैं।
देंगे। क्या देंगे? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ढेर सारा कपड़ा देंगी। क्या कर रही है कपड़े का? कोमल सिलाई कर रही है, तो कोमल के सारे कपड़े इकट्ठे करके इसने बैग में डाल लिए। और अब ऐसे और कह रही है कि अभी नहीं जाएगी तो कपड़े सिलवा के जाएगी, बहुत बड़ा कपड़ा सिल के देंगे मासी समीर को। सिलके नहीं देंगी। अच्छा, रखने के लिए देंगे। और फिर ड्रेस बनाएंगी। कोमल मासी सा कपड़ा देंगे और बुआ सा इसके लिए ड्रेस बनाएंगे, बुआ सा की शादी में पहनने के लिए, है ना। क्या करोगे? कुछ क्या करोगे? तो उसको क्यों परेशान कर रही है? कंबल दे उसका, देख ठंड में ले गई, उसका कंबल गिरा दिया, हट। क्या हुआ? वो डॉगी को डाल दिया, डॉगी को खिला दिया, वो डॉगी डर रहा है। ओए रॉकी, क्यों सुनो रही है? देख क्या सुनो ला रही है। अरे ले रो, ले मत रो, ले ले ले, अरे मत रो, ले ले, बाय कर दे मासी सास से, बाय 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 बाय। ऐसे कोई रोते है क्या? तो अभी मैंने बनाया है पास्ता, इसमें मैं सॉस डाल रही हूँ नीतिशा के लिए, उसको भी, और मिक्स करके और नहीं देना, उसको ऐसे ही देना है। निकल नहीं रहा। हेलो एवरीवन, खमाखनी सा वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू दिस व्लॉग। तो कल हम गए थे गांव, और गांव में वहां के जो बालाजी के वहां काट दिया था, उसके बाद में जितने भी वहां के थे वहां को सबको काट देते हुए हम लोग आ गए थे। तो हमको आने में शाम को 5 बज गए थे, और जैसे ही हम लोग आए वैसे ये तो घर पे थोड़ी देर भी नहीं रुके और ये जयपुर के लिए निकल गए थे। और आज अब ये जयपुर के कार्ड फिनिश कर देंगे, और फिर उसके बाद में देखो कहाँ पे जाते हैं, कोटा जाएंगे या फिर माधोपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वहाँ के कार्ड भी ये फिनिश कर देंगे। और मैंने अभी बनाया है, सुबह हो गई, तो सुबह नीतिशा पीछे पड़ रही थी, मम्मा पास्ता बनाओ पास्ता बनाओ, तो पास्ता थोड़ा सा ही रखा हुआ था मैक्रोनी, तो फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए मैक्रोनी बना दी। अब हमारे लिए मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और बाबू अभी सो रहा है, जब तक काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चा छोटा रहता है ना तो फिर वो जगता रहता है ना, तो थोड़ी बहुत देर में उसको फीड करवाने के लिए जाना ही होता है, तो कंटिन्यू लग के काम नहीं हो पाता, तो अभी वो सो रहा है, तो जब तक मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, आटा वगैरह लगा लूँगी, फिर वो उठेगा तब उसको थोड़ा थोड़ी देर फीड करवा के फिर उसके बाद में रोटी बना लेंगे हम। तो ये गोभियाँ तो मैंने पहले चॉप कर दी थी, ये आलू मुझे चॉप करने हैं, और ये पास्ता बनाया था थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि वो बाद में भी मांग लेती है इसलिए। और आजकल पता नहीं जैसे क्या ही हो रहा है कि मैं जैसे व्लॉग तो कंटिन्यू करती हूँ, व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ, है ना, और व्लॉग को मैं ना तो उसकी मैं एंडिंग कर पाती हूँ, है ना, और स्टार्टिंग भी नहीं कर पाती डायरेक्ट, तो कभी कभी भूल ही जाती हूँ, डायरेक्ट वहाँ जाके बस वीडियो शूट करती हूँ, स्टार्टिंग भी नहीं हो पाती मेरी उस व्लॉग की। और चलो ये दोनों काम तो हो भी जाते हैं, वीडियो भी शूट हो जाता है, तो उसको मतलब एडिट करना ही भूल जाती हूँ आजकल, पता नहीं जाने क्या ही हो रहा है, कैसा ही माइंड हो रहा है, उसको एडिट करना ही भूल जाती हूँ। और फिर कभी याद आती है कि हाँ यार व्लॉग एडिट करना है, तो मतलब इतना वो आलस, मन नहीं करता एडिट करने का, पता नहीं क्यों मन नहीं करता है एडिट करने का, मन ही नहीं करता कि उसको एडिट भी कर दूं, उसको डाल भी दूं। तो आज ही हमारा पार्सल आया है भाई, तो इस पार्सल के अंदर हम देखते हैं क्या है। देखिए इस पार्सल को चेक करते हैं, खुल जा खुल जा खुल जा, इस पार्सल में तो ये इतना बड़ा पार्सल निकला है। आप कहाँ से आए हो? पार्सल में से। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे भैया, अरे नहीं बुरा आ गया रे, ऐसा पार्सल आया है मेरा तो। अरे मम्मा, तो गाइस आज हमारी नीतिशा का फंक्शन है। ये कैसी लग रही है पता है? नंदनी जैसी लग रही है, वो गुड़िया दीदी की लड़की है ना, नन्नू वैसी लग रही है इस ड्रेस में। तो आज इसका फंक्शन है, डांस है इसका, तो मैंने अभी इसको तैयार कर दिया व्हाइट ड्रेस में। हाँ मैंने लंच रख दिया आपका,
इसका लिपस्टिक लगा दो ना, जब तक इसका बोलने का तरीका ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। वो रख दिया मेरे पापा ने, जाओ बॉटल भी रख दी। बाय। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। अच्छा अच्छा डांस करना, जाओ। देखो नीचे ना, नीचे टिक नहीं जाए, वाइट है, वही गंदी दिखेगी, गोदी में उठा गिर जाएगी बॉटल ऊपर से। तो बाय बाय बाय। क्या लॉलीपॉप? लंच रख दिया ना बेटा, अभी आ जाओगे थोड़ी देर में। रुक जाओ दो मिनट, लॉलीपॉप की नहीं कह रही है, लॉलीपॉप तो नहीं, चॉकलेट थी। ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज 25 जनवरी, और आज अभी आप लोगों ने देखा छोटे से क्लिप में कि नितिशा को मैंने तैयार करके स्कूल में भेजा है, क्योंकि इनके स्कूल में 25 जनवरी को जो इनकी छोटी क्लास है, इनकी नर्सरी क्लास से लेकर सेकंड क्लास तक के उन बच्चों का प्रोग्राम है, और 26 को जो बड़े बच्चे हैं उनका प्रोग्राम है। तो अलग अलग दो डेज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिर काफ़ी भीड़ हो जाती है ना, तो फिर बच्चे परेशान होते हैं, इस वजह से। तो आज नीति का फंक्शन था, नितिशा का, वो डांस में रही है, कौन सा, हाँ, आई लव माई इंडिया, उस गाने पर डांस में रही है वो। तो अब उसको तैयार करके स्कूल भेजा है मैंने, और उसको तैयार होने का इतना शौक है, उसका लगता है ना कि आज मैं तैयार होंगी, मेरा मेकअप होगा। तो सुबह जल्दी एक ही आवाज़ में उठ गई सुबह, वरना वैसे बहुत टाइम लगाती है उठने में। तो वो अभी स्कूल गई है, और वो स्कूल गई, और अब हम करेंगे हमारा बाकी का जो भी काम है वो। और आजकल तो पता नहीं जाने क्यों मेरा व्लॉग है ना कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा, कि सुबह थोड़ा सा अगर क्लिप बना लेती हूँ तो शाम तक कंटिन्यू नहीं हो पाता, तो इस वजह से व्लॉग ही नहीं आ पा रहे हैं मेरे, पता नहीं शेड्यूल ही कुछ ऐसा हो रहा है। तो कभी भूल जाती हूँ, खुद माइंड ऐसा हो गया कि कभी तो खुद व्लॉगिंग करना ही भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। अब कल मैं मार्केट गई थी, तो उसके लिए आज के लिए शॉपिंग करके लाई थी, उसके लिए कैप वगैरह खरीदी थी, तिरंगे वाली कैप और ड्रेस वगैरह लेकर आई थी, वाइट फ्रॉक, सारे कलर्स की फ्रॉक है, लेकिन वाइट कलर की फ्रॉक नहीं थी उसके पास में, तो वाइट कलर की फ्रॉक उसके लिए मैं लेकर आई थी कल, और अब उसको भेज दिया, अब काम करेंगे। बाबू उठ गया था, अभी सो गया, तो बस अभी पहले मैं अब कमरे का झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं।